प्रदेश सरकार किसानों को सहूलियत देने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिसके तहत बीज, आपको बता दें, बीज रासायनिक खाद सुनिश्चित कराने के साथ ही किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद शामिल है। लेकिन विपक्षी दल लगातार धान और गेहूं की खरीद में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं, साथ ही खरीद के समय किसान भी बिक्री नहीं कर पाने का आरोप लगाते हैं। इसको लेकर सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों की आमदनी दो गुना करने की बात कर रहे हैं, साथ ही किसानों को किसी भी तरीके की समस्या न आए, चाहे उनके धान खरीद का मामला हो, चाहे गेहूं का हो या खाद बीज पानी का हो। हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, हम इनसे बात करेंगे कि धान खरीद के लिए क्या तैयारियां हैं और जो पिछले समय में लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो कितना हुआ था। आप बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोदी जी योगी जी लगातार किसानों के लिए कृतसंकल्प हैं और हर हालत में हम चाहते हैं कि किसान खुशहाल रहे, किसान की आय दुगुनी हो, उसके सामने कोई दिक्कत ना आए। जहाँ तक धान खरीद का सवाल है, धान खरीद के लिए अभी से ही वार्ता शुरू कर दी गई है, क्योंकि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि अभी से ही क्रय केंद्रों का निर्धारण नहीं होगा और पैसा कहाँ से आएगा इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर आगे हमको कठिनाई जाएगी। इस बार धान का लक्ष्य क्या है? और दूसरी समस्या ये आती है कि विपक्ष हो चाहे या किसान हो, उनकी तरफ से कंप्लेन लगातार आ रही है कि बिचौलिए धान बेचते हैं या गेहूं बेचते हैं, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, धान का लक्ष्य तो जो पिछली बार था उससे थोड़ा सा बढ़ाकर किया गया है। सर, केंद्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य दूसरा होता है, हमारा लक्ष्य दूसरा होता है, क्योंकि हम तो केवल 3 एजेंसियों का तय करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है बिचौलिए का, आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि बिचौलिए अब इतिहास का एक विषय बन गए। कभी ये स्थिति थी बिचौलिए काम करते थे, अब अपवाद स्वरूप है, क्योंकि कारण ये है हम तब तक धान नहीं खरीदते जब तक किसान की खेतौनी का सत्यापन नहीं हो जाता। किसान की खेतौनी से उसकी एंट्री होती है, फिर उसका सत्यापन होता है कि धान कितना उसके पैदा होगा, उसमें से हम कितना खरीदेंगे, फिर खरीदते हैं, उसका पैसा भी सीधे किसान के खाते में जाता है। अब सीधा इन्वॉल्वमेंट किसान का है, बीच में किसी बिचौलिए का नहीं है। किसान ही कहीं बिचौलिया हो जाए तो हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जैसा कि सहकारिता मंत्री जी का दावा है कि हम बिचौलियों को दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं और किसानों की धान की खरीद सही तरीके से की जाएगी। कैमरामैन ओम हरिओम के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।